हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर इससे कह रही है, मुझे तुम पर बहुत नाज है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यानी मुझे तुम पर बहुत नाज है, बहुत गर्व है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो आज बहुत खुश होते। इफ़ यूर पेरेंट्स वर अलाइव दे वुड बी सो हैप्पी टूडे। इफ़ यूर पेरेंट्स वर अलाइव दे वुड बी सो हैप्पी टूडे। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो बहुत खुश होते। सो फ्रेंड, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इस लड़के ने भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है अपनी जिंदगी में। तो इसकी आंटी हैं, वे कह रही हैं, जिसे पालती हैं, वो कह रही हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते, कंडीशन बता रही हैं कि वे जिंदा नहीं है, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो आज बहुत खुश होते। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम सेकंड कंडीशनल यूज करेंगे, इफ योर पेरेंट्स वर अलाइव। इफ योर पेरेंट्स वर अलाइव, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते दे वुड बी सो हैप्पी टूडे, आज वे बहुत खुश होते। यानी कि इफ योर पेरेंट्स वर अलाइव दे वुड बी सो हैप्पी टूडे। सो फ्रेंड, नेक्स्ट भी यही है, कह रहा है या हाँ। इफ़ दे वर अलाइव टूडे, अगर वे आज जिंदा होते दे वुड बी सो प्राउड ऑफ मी, मुझ पर बहुत गर्व करते। अभी लड़का कह रहा है कि हाँ, या इफ़ दे वर अलाइव टूडे, अगर आज वे जिंदा होते, इफ़ दे वर अलाइव टूडे दे वुड बी सो प्राउड ऑफ मी, वे मुझ पर बहुत गर्व करते। दे वुड बी सो प्राउड ऑफ मी, वे मुझ पर बहुत गर्व करते। इफ़ दे वर अलाइव टूडे दे वुड बी सो प्राउड ऑफ मी, काश वो जिंदा होते। आई विश दे वर अलाइव। आई विश दे वर अलाइव, काश वो जिंदा होते। आई विश देवर अलाइव, काश वो जिंदा होते। हे, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ, मैं जाम में फंस गया था। तो किससे कह रहा है कि आई एम सॉरी आई एम रनिंग अ बिट लेट, आई गोट स्टक इन सम ट्रैफिक। आई एम सॉरी आई एम रनिंग अ बिट लेट, आई गोट स्टक इन सम ट्रैफिक। माफ़ करना, मैं लेट चल रहा हूँ, मैं जाम में फंस गया था। तो इस पर लड़की कह रही है, यू ऑलवेज डू द सेम, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। यू ऑलवेज डू द सेम, यानी तुम हमेशा ऐसा करते हो। यू ऑलवेज डू द सेम, शो पहले शुरू हो चुका है। द शो हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, द शो हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। आगे कह रही है, और कितना समय लोगे तुम। हाउ मच मोर टाइम विल यू टेक, हाउ मच मोर टाइम विल यू टेक, और कितना समय लोगे तुम। हाउ मच मोर टाइम विल यू टेक, तुम्हें अब तक यहाँ होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, यू शुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, तुम्हें अब तक यहाँ होना चाहिए था। सो फ्रेंड्स, सारे सेंटेंस काफ़ी यूजफुल हैं। ये कह रही है कि तुम और कितना समय लोगे, हाउ मच मोर टाइम विल यू टेक, हाउ मच मोर टाइम विल यू टेक, यू शुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, तुम्हें अब तक यहाँ होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन हेयर बाय नाउ। बेबी, ये कह रहा है, बेबी मुझे बस 5 मिनट और दे दो। जस्ट गिव मी 5 मोर मिनट बेबी, जस्ट गिव मी 5 मोर मिनट्स बेबी, बेबी मुझे बस 5 मिनट और दे दो। जैसे तो गर्लफ्रेंड से बात करते हैं ना, इस तरीके से कह रहा है कि जस्ट गिव मी 5 मोर मिनट, मुझे बस 5 मिनट और दे दो। वादा करता हूँ 5 मिनट में वहाँ होऊंगा। आई प्रोमिस आई विल बी देयर विद इन 5 मिनट, आई प्रोमिस आई विल बी देयर विद इन 5 मिनट्स, वादा करता हूँ 5 मिनट में वहाँ होऊंगा, यानी 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, इसके जवाब में कह रही है, जल्दी करो और यहाँ पहुँचो। प्लीज़ हरी अप एंड गेट हेयर, प्लीज़ हरी अप एंड गेट हेयर, प्लीज़ जल्दी करो और यहाँ पहुँचो। सो फ्रेंड, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। ऐसा होता है कि आप किससे मिलने जा रहे हो या आप किसी को बुला रहे हो, पर्सन जो है सामने वाला वो काफ़ी लेट हो रहा है, आ नहीं रहा, तो आप वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हो। फ़ोन पर आप बात कर रहे हो, आप कह सकते हो प्लीज़ हरी अप एंड गेट हेयर, यानी प्लीज़ जल्दी करो और यहाँ पहुँचो। प्लीज़ हरी अप एंड गेट हेयर, तुम जानते हो ऐसा समय रोज़ रोज़ नहीं आता। यू नो दिस मोमेंट्स डोंट कम एवरी डे। सो फ्रेंड, ये मोमेंट्स यूज़ हुआ है इस समय के लिए, समय के लिए। इसको हम लम्हे के लिए भी यूज़ करते हैं, पल के लिए भी। तो यहाँ ये कह रही है, यू नो, तुम जानते हो, दीज मोमेंट्स डोंट कम एवरी डे, ऐसा समय रोज़ रोज़ नहीं आता, ऐसे लम्हे रोज़ रोज़ नहीं आते। यू नो दीज मोमेंट्स डोंट कम एवरी डे, एक बार को तो मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। फॉर वंस आई थॉट यू वुडंट कम, फॉर वंस आई थॉट, एक बार को मुझे लगा, फॉर वंस आई थॉट यू वुडंट कम, तुम नहीं आओगे। एक बार को मुझे लगा तुम नहीं आओगे, फॉर वंस आई थॉट यू वुडंट कम, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। लड़का कह रहा है, आई नेवर ब्रेक माई प्रोमिस, आई नेवर ब्रेक माई प्रोमिस, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। आई नेवर ब्रेक माई प्रॉमिस, मैं अपना कहा हमेशा पूरा करता हूँ। ये कह रहा है, जो मैं कहता हूँ अपने वर्ड को वो हमेशा पूरे करता हूँ, मैं अपना कहा हमेशा पूरा करता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स, आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स, मैं अपना वादा भी कह सकते हैं, हम कहा भी कह सकते हैं, मैं अपना वादा हमेशा पूरा रखता हूँ या अपना कहा हमेशा पूरा करता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स, आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स, तुम बहुत उदास दिख रहे हो, क्या गड़बड़ है। यू लुक सो सैड, व्हाट्स रॉन्ग, यू लुक सो सैड, व्हाट्स रॉन्ग, तुम बहुत उदास दिख रहे हो, क्या गड़बड़ है। सो फ्रेंड, यहाँ हम लुकिंग का यूज़ नहीं करेंगे। सो ध्यान रखना है, हम यह लुक का यूज़ करेंगे। यू लुक सो सैड, तुम बहुत उदास दिख रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग, क्या गड़बड़ है, क्या तुम ठीक हो, आर यू ऑल राइट,
आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? आर यू ऑल राइट, मेरे पिताजी है ना? इट्स माई फादर इजेंट इट, इट्स माई फादर इजेंट इट, मेरे पिताजी है ना? मैं जहाँ भी जाता हूँ उन्हें देखता हूँ। ये लड़का कहने लगा आई सी हिम एवरीवेयर आई गो, आई सी हिम एवरीवेयर आई गो, मैं जहाँ जाता हूँ उन्हें देखता हूँ, आई सी हिम एवरीवेयर आई गो। सो इसने इसके जो पिता से वादा किया था कि वो इसकी लड़की से दूर रहेगा, लेकिन अब ये इसकी लड़की के साथ ही रहने लगा, तो इसलिए कह रहा है कि मतलब वे मुझे दिखते रहते हैं। आई सी हिम एवरीवेयर आई गो, मैं जहाँ जाता हूँ उन्हें देखता हूँ, मैं उनसे वादा किया था, ये कह रहा है मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुमसे दूर रहूँगा। आई प्रोमिस्ड हिम दैट आई वुड कीप अवे फ्रॉम यू, आई प्रोमिस्ड हिम दैट आई वुड कीप अवे फ्रॉम यू, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुमसे दूर रहूँगा। आई प्रोमिस्ड हिम दैट आई वुड कीप अवे फ्रॉम यू, मुझे नहीं पता क्या करूँ और मैं उन्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। आई डोंट नो वॉट टू डू एंड आई कांट गेट हिम आउट ऑफ माई माइंड, ये कह रहा है आई डोंट नो वॉट टू डू एंड आई कांट गेट हिम आउट ऑफ माई हेड, लेकिन हमने इस बारे में बात की थी, मैं जानता हूँ, लेकिन बट वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, बट वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, लेकिन हमने इस बारे में बात की है। लेकिन वो कह रहा है आई नो, मैं जानता हूँ, माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। आई एम सॉरी आई कांट स्टे विद यू एनी मोर, आई एम सॉरी आई कांट स्टे विद यू एनी मोर, माफ़ करना मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। आई एम सॉरी आई कांट स्टे विद यू एनी मोर, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते थे। आई थॉट यू लव मी, आई थॉट यू लव मी, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते थे। आई थॉट यू लव मी, तो इस पर कह रहा है आई डू लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई डू लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई डू लव यू, आगे कह रहा है आई लव यू, आई स्टिल डू एंड विल ऑलवेज डू, कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। सो फ्रेंड काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, दोबारा से देखना है, कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। आई लव्ड यू, आई स्टिल डू एंड विल ऑलवेज डू, आई लव्ड यू, आई स्टिल डू एंड आई ऑलवेज डू, मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तो फिर ये काफ़ी क्यों नहीं है? देन वाई इजेंट देट इनफ, देन वाई इजेंट देट इनफ, तो फिर ये काफ़ी क्यों नहीं है? क्योंकि क्या हो अगर तुम्हें कुछ हो जाए? तो कह रहा है मैं एक सुपर हीरो हूँ स्पाइडरमैन इस मूवी में, इसलिए कह रहा है बिकॉज व्हाट इफ समथिंग हैपन टू यू, क्या हो अगर तुम्हें कुछ हो जाए, बिकॉज व्हाट इफ समथिंग हैपन्स टू यू, बिल्कुल जैसे जैसे उसके साथ हुआ था, किसी और के साथ भी हुआ था, इसलिए बता रहा है जस्ट लाइक इट हैपन टू हिम बिकॉज ऑफ मी, जस्ट लाइक इट हैपन टू हिम बिकॉज ऑफ मी, बिल्कुल जैसे उसके साथ हुआ था मेरी वजह से, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। आई कांट लूज यू टू, आई कांट लूज यू टू, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। आई कांट लूज यू टू, मैं ऐसे नहीं जी सकती। आई कांट लिव लाइक दिस, आई कांट लिव लाइक दिस, मैं ऐसे नहीं जी सकती। आई कांट लिव लाइक दिस, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। आई ब्रेकअप विद यू, आई ब्रेकअप विद यू, तो किसी से परेशान होकर कहने लगी कि आई ब्रेकअप विद यू, यानी ब्रेकअप यह मतलब होता है जो रिलेशनशिप होता है ना लड़की लड़के के बीच, तो उसे ख़त्म करना, तोड़ देना, तो उसे ब्रेकअप का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम विद का यूज़ करते हैं, जैसे कह रहे आई ब्रेकअप विद यू, यानी मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ, रिलेशनशिप ख़त्म करती हूँ। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपके पास सराउंडिंग नहीं है इंग्लिश बोलने वाली, सो फ्रेंड इंग्लिश सीखने के लिए जरूरी है कि हम प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। लेकिन होता क्या है कि ज्यादातर हमारे साथ, ज्यादातर सबके साथ होता है कि प्रैक्टिस करने वाले नहीं होते, कोशिश करने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाते, तो इस सिचुएशन में हम इस तरह की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2% आपस में बात करते हैं, ऐसी कन्वर्सेशन करते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड अगर आप इन वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।